हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर को फास्ट बूट अप कर सकते हैं, चाहे आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हों, विंडोज़ 8, 8.1, चाहे विंडोज़ 10 का कोई भी एडिशन आप यूज़ कर रहे हों। ठीक है, आपको ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी एडिशन में जो है वर्क करेगी। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिक में क्या क्या है और हमें जो है कैसे अपने कंप्यूटर को फास्ट बूट अप करना है। फास्ट बूटअप में फ्रेंड्स, आपका कंप्यूटर जो है पावर बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऑन होगा और पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से जो है शट डाउन भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या सेटिंग्स जो है अपने विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर करनी है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सभी को जाना है टास्क मैनेजर में। ठीक है, टास्क मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस वाले टैब पर आना है, स्टार्टअप टैब पर। स्टार्टअप में आने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो है सिस्टम के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप कंप्यूटर का पावर बटन जैसे ही आप ऑन करते हो ना, उसी टाइम पे जो है ये सारी एप्लीकेशंस जो है लोड होने लगती हैं। तो सबसे पहले इनको डिसेबल करना है। ठीक है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी डिसेबल कर देता हूँ, ताकि जब कंप्यूटर ऑन हो तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक रन ना हो। सबसे पहले तो लोड जो है फ्रेंड्स यहीं से पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के जो है आप इसे यहाँ से डिसेबल कीजिएगा। जैसे ये इंटेल कॉरपोरेशन का है तो इसको मैं इनेबल ही रहने दूंगा, क्योंकि इंटेल के ड्राइवर्स जले हुए हैं, ग्राफिक ड्राइवर है मेरे कंप्यूटर में तो प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए जो मेन ड्राइवर है या जिस एप्लीकेशन को आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, उसको तो आप इनेबल ही रख छोड़ दीजिएगा, उसको आप डिसेबल मत कीजिएगा। जैसे कि साउंड कार्ड के ड्राइवर्स हो गए या आपके ग्राफिक ड्राइवर हो गए, जितनी ऐसे सिस्टम नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपके हार्डवेयर रिलेटेड है, उसको आप इनेबल ही रखिएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटेल कॉरपोरेशन मैंने सबको इनेबल किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी इनेबल कर देना है। बाकी थर्ड पार्टी ऐप्स जितनी भी है उसको आपको जो है डिसेबल कर देना है। यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप जो है कम्प्लीट हो गया है। अब आपको रन में आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है msconfig। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन पैनल है जो आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जो है सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले चेक करना होगा जहाँ पे लिखा है हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। इस पे चेक करते ही सारी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज जो है हाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है हमें कुछ चीज़ों को डिसेबल करना है। जैसे मैं नहीं चाहता कि ये स्टार्टिंग में जो है लोड हो, इनको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे माउस का ड्राइवर है ई लाइन सर्विसेज जो है, इसको मैं इनेबल रखूँगा। गूगल क्रोम को मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, गूगल का कोई भी जो है अपडेट जो है पीछे से नहीं चलेगा, अपडेट सर्विसेज जो है मैं नहीं चाहता कि ये सिस्टम के टाइम पे ही रन हो। ठीक है, एनवीडिया और ये सिस्टम मैनेजमेंट, ये इंटर कॉरपोरेशन, यानी जितने हार्डवेयर के मेरे ड्राइवर है उसको तो मेरे को इनेबल रखना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी थर्ड पार्टी के हैं उसको आप डिसेबल कर दीजिए जिस एप्लीकेशन के बारे में आप जानते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और ओके पे प्रेस कर देना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप बूटअप में आते हैं तो यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शंस देखने को मिलता है। अगर आपका कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा पुराना कंप्यूटर है, ठीक है, यानी तकरीबन 10-12 साल से आपने अपने कंप्यूटर को अपग्रेड नहीं किया है, तब ऐसे केस में नंबर ऑफ़ प्रोसेसर में आप जाके सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ कोर्स पे आप क्लिक करके, ठीक है, और मैक्सिमम मेमोरी प्रोवाइड करके यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, उस सिर्फ इस केस में। अगर आपका कंप्यूटर नया है, 2-4 साल ही हुए हैं उसको लिए हुए, तो ये ऑप्शन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए नहीं है, इसको मत छेड़िएगा। अब बस हमने यहाँ से जो है सर्विसेज में जो है सारी सर्विसेज इनेबल डिसेबल कर दी, जो नेसेसरी थी उसको हमने इनेबल कर दिया है। अब मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे कर देना है ओके। ओके करने के बाद ये रीस्टार्ट मांगेगा, बस आपको जो है यहाँ पे रीस्टार्ट कर देना है। ऐसा करने से जो है आपका कंप्यूटर जो है फास्ट बूटअप होगा। फर्स्ट टाइम बूटअप में जो है फ्रेंड्स, इस सेटिंग को अप्लाई करने के बाद जो आप फर्स्ट टाइम बूटअप करेंगे उसमें पहली बार थोड़ा सा लेट ऑन होगा। जितनी मर्जी आप अपने कंप्यूटर को ऑन ऑफ कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका कंप्यूटर जो है पहले से मुकाबले जो है फास्ट बूटअप हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।